दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ यह जाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे। मैं आपके लिए रोज़ रोज़ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के बारे में नई वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे वीडियो मैंने कंप्यूटर, मोबाइल के बारे में डाले, तो रोज़ आप नया एक ट्रिक सीख पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ वो वाईफाई के बारे में ट्रिक है। तो जिनके पास वाईफाई है वो इस ट्रिक को ज़रूर देखेगा, और जिनके पास वाईफाई नहीं है वो भी इस ट्रिक को देखकर अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज के इस ट्रिक में दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास घर में वाईफाई है लेकिन आप उसका पासवर्ड अपने दोस्त को या किसी रिश्तेदार को देना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे। तो उनको हम अगर उन्होंने आपके पास पासवर्ड मांगा तो हम उनको नहीं भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ये इस ट्रिक में मैं आपको एक ऐसा कुछ बताऊंगा कि आपके घर में वाईफाई तो होगा लेकिन उसका जो वाईफाई नेटवर्क है वो किसी को भी नहीं दिखाई देगा। वो लोग समझेंगे कि आपके पास वाईफाई ही नहीं है, तो वो लोग आपका वाईफाई यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपको वाईफाई के बारे में पूछेंगे भी नहीं। तो ये ट्रिक कैसे करते हैं जानने के लिए मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप देखते रहेगा। तो दोस्तों, ये सेम ट्रिक आप अपने मोबाइल में भी कर सकेंगे। फिलहाल तो मैं अभी मेरे लैपटॉप में आपको ये ट्रिक करके बता रहा हूँ, लेकिन सेम ट्रिक आप अपने मोबाइल में भी कर सकेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो के बारे में आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपको नहीं समझ रहा है, तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकेंगे और नीचे कमेंट में भी लिख दीजिएगा। और मैंने आपके सब्सक्राइब लोगों के लिए एक स्पेशली मैसेज बनाया है, उसमें मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि आपका जो लैपटॉप है और मोबाइल है वो अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरा वाईफाई, मेरा जो मोबाइल है और लैपटॉप है राउटर से कनेक्ट है या नहीं। यहाँ पर मुझे मेरा लैपटॉप वाईफाई से सक्सेसफुली कनेक्टेड दिखा रहा है, तो ये ट्रिक मेरे लैपटॉप में चल सकेगी। उसके बाद अब आपको अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना है। मेरा फेवरेट ब्राउज़र क्रोम है, इसलिए मैंने उस ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आपके वाईफाई का जो एड्रेस है उसको डालना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के वाईफाई के एड्रेस होते हैं। यहाँ पर मुझे दो एड्रेस मालूम है। सबसे पहले, अगर आपके पास नेटगियर का राउटर होगा तो यहाँ पर डालेगा 192.168.1.1, ये एड्रेस डालेगा। अगर आपके पास टीपी लिंक का राउटर होता है तो आप 192.168.0.1 ये वाईफाई का राउटर का एड्रेस डाल दीजिएगा। फिलहाल मेरे पास तो नेटगियर का राउटर है, इसलिए मैं 192.168.1.1 ये एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद आपको एंटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको यूज़र नेम पर एडमिन डालना है और पासवर्ड में पासवर्ड ही डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास टीपी लिंक का राउटर होता है तो आपको यूज़र नेम में एडमिन डालना है और पासवर्ड में भी एडमिन डालना है, लेकिन मेरे पास तो नेटगियर का राउटर है, इसलिए मैं पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते होंगे, तो मुझे थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वायरलेस, उस पर मुझे क्लिक कर देना है। वायरलेस में जाने के बाद यहाँ पर आपके वाईफाई का जो नाम रहेगा वो शो होगा, और यहाँ पर आपको वाईफाई का पासवर्ड दिखाई देता होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक करनी है। यहाँ पर जो भी दिख रहे हो आपके लैपटॉप में पहले से इनेबल होगा, लेकिन आपको यहाँ पर उसको डिजेबल कर देना है। दोस्तों, ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको उसको डिजेबल कर देना है। मैंने उसको डिजेबल कर दिया। डिजेबल कर देने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक कर देने के बाद जो भी उस वाईफाई राउटर का जो भी सेटिंग है वो एक दो मिनट में अपडेट हो जाएंगे। आपको यह दिखाई दे रहे होगी कि वाईफाई की जो भी सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। थोड़ी देर बाद दोस्तों ये सेटिंग अप्लाई हो जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि हमारा जो वाईफाई है वो अनविजिबल हिडन हो गया या नहीं, वो देखते हैं। तो चलिए बैक आ जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं इस विंडो को। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा जो वाईफाई है वो नॉट कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरा जो भी वाईफाई का नाम था राहुल, वो गायब हो चुका है, मीन्स वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम उसको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कनेक्ट करेगा, आपको यहाँ पर एक हिडन नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये हिडन नेटवर्क, जो हिडन नेटवर्क है कि वो आपका वाईफाई ये हिडन नेटवर्क। तो आपको ये हिडन नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपके वाईफाई का नाम बताओ। तो जो भी आपका वाईफाई का नाम होगा वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे वाईफाई का नाम राहुल है, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में जाने के बाद आपके वाईफाई का आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पर मैं अपने वाईफाई राउटर का पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद ये दोस्तों कनेक्टेड हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों, जो भी आपका जो नेटवर्क है, वाईफाई का नेटवर्क है, वो आपके किसी भी फ्रेंड्स को दिखाई नहीं देगा, और वो आपसे पासवर्ड भी नहीं मांगेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। और ये ट्रिक मैं आपको मेरे मोबाइल में भी करके बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सेम सेटिंग जो मैंने आपको लैपटॉप में करके दिखाया, अभी मैं अपने मोबाइल में करके दिखाता हूँ। तो मोबाइल में करने के लिए आपको अपना वाईफाई ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऐड नेटवर्क में जाना पड़ेगा। ऐड नेटवर्क के में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने वाईफाई का नाम डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मेरा वाईफाई का नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद कनेक्ट पर क्लिक कर देना है, और वो ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ ही मिनट में ये कनेक्ट हो जाएगा। देखा दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टेड आ रहा है, मीन्स मेरा वाईफाई सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। इसी तरह से आप दोस्तों अपने वाईफाई के ट्रिक कर सकते हैं बिना दोस्तों को बताया हुए। कोई भी अगर आपके पास वाईफाई का पासवर्ड मांगता है तो मांगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो वाईफाई है वो किसी को भी नहीं दिखाई देगा। मीन्स आप अपने वाईफाई का जो भी नेटवर्क है उसको गायब कर सकेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।